The next topic of unit is relation between electric field and electric potential. Now, as we know that each and every charged particle create a field around it, and due to that, another charged particle experiences a force of attraction or repulsion. That space or that region is called electric field, and the electric potential is a cause of flow of charges. That is the amount of work done performed by the external agency to moving a test charge from infinity to that point. Infinity से किसी particular point तक move करने के लिए जो work done होता है, that work done per unit charge is called electric potential. And electric field is force per unit test charge. Electric force experienced by per unit test charge is called electric field. अब इन दोनों parameters में क्या relation होता है? वो रिलेशन ऑलरेडी पहले भी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स. इसके अंदर ये पॉइंट हम डिराइव कर चुके हैं, उसी को बस हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं वापस. सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now, as we know that when we taking a, suppose if you are taking a positive point charge, the field produced by this positive point charge is non-uniform and that is always directed away from the charge. ठीक है, इस एक point charge हमने Q लिया, इसके through जो field create होगा वो non-uniform रहेगा and that is always directed away from the charge. Electric field की direction जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा away from the charge. Suppose if you are taking a test charge which is initially at infinity and we are interested to move this test charge from infinity to any point in a field, at any point in a field is, let's suppose that point we are taken is point P. Now we are interested to move this test charge from infinity to that point P. So, इस moment में क्या करना है, हमें work done calculate करना है, that how much work is done by the external agency. अब external agency work क्यों करेगी, already हम पहले भी discuss कर चुके हैं, क्योंकि ये positive charge है और ये आपका positive charge है, तो दोनों एक दूसरे को repel करेंगे, field की direction और electric force की direction. दोनों क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू नॉट ई, तो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस क्यू नॉट. एक्सटर्नल एजेंसी मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, उसको फील्ड के अंदर लेके आ रहा है, और वो जो उस मोमेंट में जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल. क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एनी टू पॉइंट्स इन अ फील्ड. ठीक है, सपोज आप कोई भी दो पॉइंट फील्ड के अंदर ले लें, रैंडमली हमने इस फील्ड के अंदर दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. ठीक है, और हमने प्लेस क्या किया कि सपोज पॉइंट ए बी आपने जो यहां लिए हैं उसमें जाए पॉइंट ए बी यहां भी ले सकते हैं, इस लाइन के अलावा भी ले सकते हैं. सपोज आप चाहें तो पॉइंट ए बी यहां भी ले लें, सपोज पॉइंट ए यहां ले लिया और पॉइंट बी यहां ले लिया, और ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, क्या हो गया, डी आर. सो वर्क डन to moving Q naught charge from smaller displacement dr, kitna hoga, dw external, that is f external dot dr. एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है,
minus q naught E dot dr. F external की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर. ठीक है, तो ये बर्डन आ गया. दिस स्मॉलर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट जो है मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. नाउ दैट स्मॉलर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, तो ये स्मॉलर वर्क डन है, स्मॉलर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. dw बाय q नॉट क्या हो जाएगा? dv, एंड दैट dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr. So, यहां ये जो रिलेशन आया ये क्या आ रहा है? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे डीवी है तो इसको इंटीग्रेट किया to find the electric potential or potential difference. ठीक है, from point A to point B. तो B की value क्या आ गई? B is equals to A to B. So electric potential is negative of line integral of electric field. E dot dr. dr क्या है आपका? पोजिशन वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E dot dr क्या बोला जाता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस टर्म इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब ये जो रिलेशन है उसी से दूसरा रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, दैट dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr. सो dv बाय dr इज इक्वल टू माइनस e, सो e इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? दैट इज change in potential per unit length, या decrease in a potential per unit length. dv क्या है? dv is a change in potential, dr is change in length, और negative है, तो ये क्या बोला जाएगा? decrement in a potential. So electric field क्या हुआ? Electric field is negative of potential gradient. तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, दैट v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. मैथमेटिकली हम बात करें, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किसी पर्टिकुलर स्पेस का, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजिशन के साथ क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है. आप पोजिशन के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे, you will get a potential. और यदि आपको particular point का potential दे रखा है और आपको क्या करना है? Electric field calculate करना है, तो आप क्या कर लेंगे? Position के साथ उसको differentiate कर लीजिए. E is equals to minus dv by dr. So as you differentiate the potential with respect to position, you will get a electric field. और electric field को position vector के साथ यदि integrate कर देंगे, you will get a potential at that point. So that is a relation. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे पोजीशन के साथ, तो पोटेंशियल मिल जाएगा. और पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को आप पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर?
ठीक है। अब यहाँ एक ये जो रिलेशन आ रहा है that E is equals to minus dV by dr, that gives a important relation between electric field and electric potential, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मींस क्या बोल रहा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस इज वेयर वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपली। मींस यदि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट या उस प्लेस पर ज्यादा होगा जहां पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो रहा। जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इफ आई एम टेकिंग एनी टू पॉइंट्स इन अ फील्ड, ये पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, so at what point the electric potential is more, दो पॉइंट हमने फील्ड में लिए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा बता सकते हैं आप, इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बी का, वाय एनी रीजन, वो नहीं पता। देखिए पॉइंट बी के बजाय पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब देखिए मैंने ये किस रीजन से लिखा, हमने क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेयर वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपली, यानी पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा। अब मैंने क्या बोला कि दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल सॉरी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट मेरा पोटेंशियल इंक्रीजिंग है, तो पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, पॉइंट बी राइट साइड में है, तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हमने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो रहा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये आपका लेसर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा ये क्योंकि ये इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यदि पॉइंट सपोज एक पॉइंट सी लेता यहाँ पर, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता, क्योंकि दे आर एट सेम पोजीशन। इज इट क्लियर? देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉइंट बी के कंपैरिजन में, ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉइंट व्हेन द फील्ड इज इन अ 1D, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायमेंशनल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर, क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डीआर। बट यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल मतलब ये उसके तीन कंपोनेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, दैट इज नोन एज डेल वी बाय डेल एक्स, या दैट इज ऑल्सो नोन एज डेबर वी बाय डेबर एक्स, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब भी आपका पोटेंशियल जो होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में रहेगा और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेरिएबल एक्स के अलावा बाकी सारे वेरिएबल क्या होंगे, एट ए इंस्टेंट कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ई वाई क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, सॉरी डेल वाई, और
ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और ई जेड क्या हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड. दिस इज कॉल्ड पार्शियल टू ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस डायरेक्शन. क्या हो जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स, डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई यू विल गेट अ ई वाई, और डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड यू विल गेट अ ई जेड. ठीक है, तो जब आपका 3D फील्ड रहेगा तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है, समझ में आया. एनी डाउट इन दैट पार्ट? अभी हम इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है. ठीक है, वो अभी हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको पोटेंशियल को पोजिशन के साथ क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा. और यदि आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना रहेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन के साथ इंटीग्रेट करना रहेगा. क्या करना रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा. यदि सपोज आपका फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो रिलेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन E is equals to V by D. Electric field is volt per meter. Or we can also write that V is equals to E into V. जब आपका uniform electric field होगा, D क्या है? That is the separation between electric field lines. ये gap जो होगा, ये क्या बोला जाएगा D. So, uniform electric field आएगा तो E is equals to V by D. क्या हो जाएगा V by D. Is it clear? आया समझ में? ठीक है, अब हम कुछ questions करते हैं तो आपको clear. Now the question is like that. In a certain region, the electric potential at any point in a space is given by V is equals to x square y 3 y cube z minus 4 z to the power 4 into x. Find the component of electric field and the vector electric field at a point 1, 1, 1. आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y प्लस 3y क्यूब z माइनस 4 z टू द पावर 4 इनटू x. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1, 1, 1. जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करना है. मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट, ना एज यू नो दैट वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप. अब एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. ठीक है, सो माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी. वी क्या दिया हुआ है आपको, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब जेड माइनस 4 z टू द पावर 4 इंटू एक्स. अब जब इस पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे. तो ex की वैल्यू क्या हुई, माइनस डेल बाय डेल x ऑफ 2x स्क्वायर y माइनस डेल बाय डेल x ऑफ 3y क्यूब z
माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस फोर जेड क्यूब एक्स। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई कॉमन वाई बाहर आ जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और टू भी बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा टू एक्स। माइनस साइन में ऑलरेडी सबके लिए कॉमनली बाहर ही ले लेता हूं एक साथ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हुआ टू एक्स। अब देखिए इस वाले टर्म में एक्स है ही नहीं, वाई और जेड है, तो कॉन्स्टेंट को जब हाँ जेड को देखो आई एक सेकेंड वो लास्ट टर्म अब देखिए ये जो टर्म है वो क्या है 3y क्यूब z। तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल नहीं है x, तो ये सारे कांस्टेंट टर्म होंगी, तो कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0। अब इसके अंदर जब x के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो माइनस हमने बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो ये हो गया माइनस फोर जेड टू द पावर फोर और x को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो 1 आ जाएगा। अभी माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस फोर एक्स वाई और प्लस फोर टू पावर जेड फोर। अब हमें कैलकुलेट करना है, ये तीनों का माइनस पहले ही बाहर ले लिया था, तो इसको ये टू वाई कॉमन आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हुआ टू एक्स, या एक्स की टर्म है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया वन। माइनस साइन ऑलरेडी बाहर दिया हुआ था तो माइनस से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1, 1 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया माइनस फोर इंटू वन इंटू वन प्लस फोर इंटू वन इंटू वन सॉरी वन टू द पावर फोर, तो पोटेंशियल क्या हो गया जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो, माइनस फोर और ये प्लस फोर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या आया जीरो, क्या आ गया जीरो। ठीक है, एक बार वापस से मैं एक्स कंपोनेंट को रिपीट कर रहा हूं कैसे आया देखिए। नाउ वी कैलकुलेट द वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट, ये y और यहां पर भी y, तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। माइनस बाहर ले लिया पूरे सबके लिए, ये 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल y बाय डेल y 1 हो गया। ठीक है, इस वाले में प्लस 3z बाहर आ जाएगा, 3 और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर और इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि यहां कोई y की टर्म है ही नहीं, x और z है और x और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, 4 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो ey हो गया माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 9y2z। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1, 1, 1, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया माइनस 11, क्या हो गया माइनस 11 और वोल्ट पर मीटर, यूनिट क्या रहेगी माइनस 11 वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ गया, x कंपोनेंट आया आपका 0, y कंपोनेंट आया माइनस 11 वोल्ट पर मीटर। अब z कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियल डिफरेंशिएशन किया z के रेस्पेक्ट, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये टर्म फर्स्ट टर्म आप देखिए माइनस बाहर, इस पहले टर्म में कहीं पर भी जेड नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, यहां
थ्री वाई क्यूब कॉमन आ जाएगा, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, ठीक है। यहां फोर एक्स कॉमन आ गया, माइनस फोर एक्स कॉमन ले लिया, जेड टू द पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फोर जेड क्यूब। तो ई जेड की वैल्यू हो गई माइनस थ्री वाई क्यूब और प्लस फोर सॉरी सिक्सटीन एक्स जेड क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन कॉमा वन कॉमा वन हो गया माइनस थ्री और प्लस सिक्सटीन, तो थर्टीन वोल्ट पर मीटर। तो ई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्टीन वोल्ट पर मीटर। और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस इलेवन जे कैप प्लस थर्टीन के कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट जीरो। क्या है एक्स कंपोनेंट आपका, क्या है जीरो। So, to obtain या to calculate the value of electric field in a space, if the potential component is given, potential vector आपको given है, तो क्या करेंगे, potential को position vector के साथ differentiate करने पर आपको क्या मिल जाएगा, electric field मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, electric field। Is it clear? ठीक है, अब एक next variety हम discuss करते हैं जहां पर हमें space के अंदर electric field दिया हुआ है और उस स्पेस के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा B इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय 5i कैप माइनस 3j k कैप वोल्ट पर मीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इफ द पॉइंट ए इज एट ओरिजिन एंड पॉइंट बी इज एट 005, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है vb माइनस va, पॉइंट a जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 0,0,0 और पॉइंट b दिया हुआ है 0,0,5, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, VB माइनस VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, VB माइनस VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस आपको दिया हुआ है 5i कैप माइनस 3j कैप। अब देखिए, वी आर टेकिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, dr वी आर टेकन एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, ई डॉट डी आर है, दोनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बाहर फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप, देखिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 5 आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, तो ये ई ये है डॉट डी आर 5 का। अब 5 आई कैप को डी एक्स आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 डी एक्स और माइनस 3 डी वाई,
और आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आपका क्या डिफरेंशिएशन, पहले डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 5dx-3dy, ठीक है। तो आप देखिए पोटेंशियल क्या आया, -5 इंटीग्रेशन dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो ये हो गया पोटेंशियल -5x-3y। dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। पोटेंशियल क्या आया, -5x-3y, ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब आपको पोटेंशियल क्या कैलकुलेट करना है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी बी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है। तो पहले वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, वी ए इज पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0, 0, तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 0 + 3 × 0, 0। बी बी की वैल्यू 0, 0, 5, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 0, 0, 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो हो गया -5 × 0 + 3 × 0। तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल 0 है, पॉइंट बी का भी पोटेंशियल 0 है, तो बी बी माइनस वी ए क्या हो गया, बी बी माइनस वी ए हो गया 0, ये आपका आंसर आ। सपोज इसी क्वेश्चन में इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट होता, कैलकुलेट कैलकुलेट वीबी माइनस वीए इफ पॉइंट ए इज 0, 0, 0 एंड पॉइंट बी इज 4, 0, 3। तो कैसे कैलकुलेट करते, तो VA की वैल्यू तो अगेन वही आ जाती, -5 × 0 + 3 × 0। VB की वैल्यू क्या आ जाती, -5 × 4 + 3 × 0, तो VB की वैल्यू आ जाती -24। तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, -24। इज इट क्लियर। तो जब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के साथ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, नहीं आया समझ में, ये इंटीग्रेशन समझ में आया, इंटीग्रेशन पूरा नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 N/C exists along the x-axis in the space, calculate the potential difference between point B and point A when the point A and point B is given by point A is 0, 0 and point B is 4, 2, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 N/C अलोंग द x-axis डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 N/C along x-axis, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो क्या हो गया 20 i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 20 i कैप N/C। अब आपको कैलकुलेट करना है VB माइनस VA इफ पॉइंट A इज 0, 0, पॉइंट B इज 4, 2। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल is given by line integral of electric field E dot dr, ठीक है। अब आपको electric field तो दिया हुआ है, dr आप क्या लेंगे, dr आप ले ले, dr is equals to dx i cap plus dy j। अब ये dr का decision हमने किस basis पे लिया, क्योंकि आपको xy coordinate दिए हुए हैं points के, तो हमने position vector के भी दो component लिए। अब हमने इंटीग्रेट किया माइनस ई दैट इज 20 i कैप डॉट dr dx i कैप प्लस dy j कैप, तो क्या हुआ माइनस
अब देखिए 20 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i1 होता है, i डॉट j क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 20 dx और i डॉट i1 हो गया, तो ये होगा माइनस 20 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो पोटेंशियल क्या आया आपका, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे 1 का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो v की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20x, v की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20x। अब हमें पॉइंट a और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट a क्या हो जाएगा माइनस 20 × 0 यानी 0। पॉइंट b का पोटेंशियल क्या हुआ माइनस 20 × 4 तो माइनस k, तो v भी माइनस v a क्या हो जाएगा माइनस kt वोल्ट। That is the potential difference between two points. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आपको इस तरीके से क्या करना रहेगा इंटीग्रेट करना है। और जो हमने लास्ट वैरायटी क्वेश्चन किया था जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा था कंपोनेंट फॉर्म में और वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने थे, तो Ex is equals to minus del V by del X, Ey is equals to minus del V by del y और ez is equals to minus del v by del z, तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन वेक्टर के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा पोजीशन के साथ, और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा पोजीशन पर। इज इट क्लियर, बाकी लोगों को आया समझ में? ठीक है।